देखिए, कुछ मिनट का वक्त और उसके बाद आर्यन खान जो है जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि ऑथर रोड जेल के बाहर जो है हलचल बढ़ चुकी है। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड जो है वो भी ऑथर रोड जेल के बाहर पहुंच गए। साथ ही साथ जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी काफी सारी बढ़ा दी है, जिससे ये साफ होता है कि अब और कुछ मिनट का इंतजार, जिसके बाद आर्यन खान जो है 27 दिन के लंबे वक्त के बाद जो है जेल से रिहा होंगे। शाहरुख खान और गौरी खान भी किसी भी वक्त जो है जेल तक पहुंच सकते हैं। अभी बस कुछ वक्त का और इंतजार और आर्यन खान जो है जेल से रिहा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हलचल, चाहे वो मन्नत हो चाहे वो जेल के बाहर हो, लगातार जो सारी स्थितियां हैं वो बढ़ती जा रही है, जिससे ये साफ हो रहा है कि अब कुछ ही वक्त का इंतजार और आर्यन खान किसी भी वक्त जो है जेल से आ सकते हैं। 3 अक्टूबर को जो है उन्हें एनसीबी की कस्टडी में लिया गया था, जिसके बाद वो 27 दिनों तक जो है हिरासत में थे, जिसके बाद उन्हें 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने जो है बेल दे दी, जिसके बाद आज वो किसी भी वक्त जो है जेल से रिहा हो सकते हैं। कुछ शाहरुख खान और गौरी खान 8:30 के करीब जो है जेल की तरफ बढ़े, तो ये देखना काफी अहम होगा कि शाहरुख खान और गौरी खान कब तक जो है जेल तक पहुंचते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों का जो है इंतजार है, जिसके बाद जो है आर्यन खान को रिहाई मिल जाएगी। देखिए, 2 दिन का वक्त पूरा बेल प्रोसेस में लग गया, जिसके चलते आर्यन खान को 2 रातें और जो है जेल में निकालनी पड़ी। साथ ही साथ जैसे ही हाईकोर्ट ने बेल का ऑर्डर पास किया और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने आर्यन खान को ये बताया कि उनकी बेल जो है हो गई है, तो आर्यन खान के चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान थी, जिसके बाद उन्हें 2 दिन का लंबा वक्त और जेल में काटना पड़ा, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा वक्त हो गया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल जो है मन्नत पे भी काफी सारी हलचल थी, क्योंकि देखिए दिवाली भी आ रही है, शाहरुख खान का बर्थडे भी आ रहा है, साथ ही साथ आर्यन खान को जो है काफी मेहनत के बाद बेल मिली है, जिसके चलते जो मन्नत है उसे भी सजाने की जो है लाइटिंग लगाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। देखिए, आशीष जो है हमारे साथ जुड़े हुए ऑथर रोड जेल से। आशीष, क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी है श्रेया, इस वक्त जो है सिर्फ फ्रेम मैंने लगा रखा है गेट की तरफ, क्योंकि वो कुछ ही चंद सेकंड का समय होगा जब साफ तौर पे आर्यन खान एक नए अवतार में जो है कहीं ना कहीं बाहर आएंगे, क्योंकि जो जानकारी उभर के सामने आई है जेल के अंदर उन्हें जो है उनके बालों को काट दिया गया था, और साथ ही साथ जो इस वक्त जानकारी जेलर की तरफ से सुपरिटेंडेंट की तरफ से उभर कर सामने आई है, उसके मुताबिक इस वक्त जो है जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, और अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर ही उम्मीद की जा रही है कि आर्यन खान जो है वो बाहर निकलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि शाहरुख ने जो है आर्यन को बाहर निकालने के लिए रवि सिंह को भेजा हुआ है, खुद नहीं आए हैं, बल्कि कहीं किसी होटल में खुद शाहरुख मौजूद हैं, जहाँ रवि सिंह का काम होगा इस दरमियान ऑथर रोड जेल से आर्यन को सही सलामत बाहर लेकर आना। रवि सिंह वो शख्स है जो कि शाहरुख खान के न केवल बॉडीगार्ड है बल्कि करीबी भी रहे हैं। जब से आर्यन खान का केस शुरू हुआ तब से लगातार रवि सिंह की जो है मूवमेंट, चाहे एनसीबी का दफ्तर हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ऑथर रोड जेल हो, हर जगह पर दिखाई लगातार पड़ी है। आर्यन सिंह के लिए हर वो चीज़ करते हुए नजर आए हैं रवि सिंह, जो कि ज़रूरी है, और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है आर्यन को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि फैंस का जमावड़ा इतना ज़्यादा है कि उनसे बचाकर निकालना कहीं ना कहीं शाहरुख के लिए भी और साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी अहम है। दोनों तरफ देखिए भीड़ आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेगी, और उसके बीच में जो गेट है, गेट के पास इस वक्त सुरक्षा बल, और अंदर की तरफ जो शाहरुख खान की पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी पहुंची हुई है। रवि सिंह इस वक्त जेल के अंदर के हिस्से में गए हुए हैं, जहां से आर्यन खान को जो है वो निकाला जाएगा, और सबसे जो संभावनाएं जताई गई हैं उसके मुताबिक जो गाड़ी है, रवि सिंह जिस गाड़ी में आए हैं रेंज रोवर कार में, उसे पीछे रखा गया। जैसे ही बाहर के हिस्से में आएंगे तो एक छोटा सा गेट है, उस छोटे से गेट से सीधे उस गाड़ी में बैठ कर सीधे रवाना हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सुरक्षित निकाले जाने की योजना के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल शाहरुख खान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो है कहीं ना कहीं जो है रवि सिंह के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित इस वक्त यहाँ से निकाले। आशीष, हम आपके पास वापस लौटे हैं। दिवाकर भी जो है हमारे साथ लगातार ऑथर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। आज दिवाकर, आप क्या कुछ वहाँ का नजारा जो है या वहाँ की क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? दिखाऊं तो मैं जहां खड़ा हूं, ये यहीं से गेट सामने आपको दिख रहा होगा, जहां से आर्यन खान आपसे कुछ मिनटों बाद
जो रिहा होंगे, रवि सिंह जो बॉडीगार्ड है वो ले अंदर गए हैं कुछ देर पहले। और आप देखिए जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है कितनी ज्यादा चाक चौबंद अब कर दी गई है, पुलिस कर्मियों की तमाम तैनाती आप देख सकती हैं, गेट के बाहर कितना से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इस परिसर को, क्योंकि ये जो जेल का हिस्सा है बिल्कुल रोड से सटा हुआ है। और इस दौरान ट्रैफिक भी ना रुके और साथ ही साथ भीड़ भी ना हो, इसके लिए पूरी पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। और जो आपको सामने पीले कलर का गेट दिख रहा है, उसी के गेट की जब जैसे ही खुलेगा, इसका मतलब साफ तौर पर है कि आर्यन खान जो है वो बॉडीगार्ड रवि सिंह के साथ बाहर आने वाले हैं, यानी कुछ मिनटों का वक्त और आर्यन खान की रिहाई इस आर्थर रोड जेल से हो जाएगी 28 दिनों के बाद आखिरकार। लेकिन यहां से उन्हें, क्योंकि शाहरुख खान और कौरी खान की जो जानकारी मिल रही है कि वर्ली में एक होटल में रुके हुए हैं, जानकारी ये मिल रही है कि यहां से रवि सिंह आर्यन खान को लेकर जो वर्ली में होटल जहां शाहरुख खान और गौरी खान रुके हुए हैं वहां लेकर जाएंगे, और वहां से फिर उनका काफिला जो है वो मन्नत की तरफ बढ़ेगा, बांद्रा की तरफ, जहां उसके बाद देखना अहम होगा कि कितना वक्त लगता है यहां पे, क्योंकि कुछ मिनटों का वक्त बताया जा रहा है, तो किसी भी वक्त यहां पर जो है आ सकते हैं। इसलिए हलचल जो है पुलिस की बढ़ गई है और पुलिस की तैनाती आप गेट से समझ सकती हैं कि किसी भी वक्त जो है इस वक्त आर्यन खान आर्थर रोड जेल से 28 दिनों के बाद रिहा हो जाएंगे। आशीष देखिए कुछ ही मिनटों का इंतजार और है, तो क्या लगता है और कितने मिनट जो है सारे लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? जी लगभग तकरीबन 10 मिनट का वक्त और उम्मीद की जा रही है कि 10 मिनट के अंदर ही सारे बाहर आने की, क्योंकि जो रिहाई की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे अहम बात यह है कि रिलीजिंग ऑर्डर जब जेल के अंदर पहुंचता है तो एक किसी एक व्यक्ति के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, जितने लोगों के रिलीजिंग ऑर्डर आते हैं उन सबके रिलीजिंग ऑर्डर को पहले जो यहाँ पर जेल अथॉरिटी होती है वो उसे साइन करती है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है और आखिर में जाकर उन सभी लोगों को चुन चुन कर एक साथ बाहर बैरक से निकाला जाता है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा के उनके जो बिलोंगिंग्स उनके साथ आए हैं वो जो है कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाए जाते हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं जो है अगले 5 से 7 मिनट का वक्त और बताया जा रहा है जब आर्यन खान यहां पर पहुंचेंगे, आर्यन खान बाहर की तरफ आएंगे। दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आशीष लगातार बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों का इंतजार और है, तो वहां पर हलचल कितनी ज्यादा बढ़ रही है, पुलिस की तैनाती कितनी ज्यादा है? अभी ठीक है, देखिए साफ तौर पर मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो गेट है वहां से आर्यन खान को लेकर बॉडीगार्ड रवि सिंह जो है, आपको मैं गाड़ी दिखाऊं जहां शाहरुख खान की जो गाड़ी है वो वहां खड़ी की गई है, यानी यहां से जो फासला है करीब 100 मीटर का, यानी 100 मीटर के बाद जो है आर्यन खान जेल से निकलेंगे और 100 मीटर के चलते हुए फिर वो गाड़ी में बैठ के रवाना हो जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात इस पूरे मामले में यही है कि कब निकलते हैं, 5 से 7 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, 5 से 7 मिनट में जो जानकारी मिल रही है जेल प्रशासन से कि आर्यन खान जो है वो जेल के बाहर आ जाएंगे, रवि सिंह उनको इसी गेट से जहां पे आपको पुलिस की जो तैनाती है बड़ी संख्या में दिख रही है, इस तरह से आपको गेट को जो पूरा हिस्सा है वो छावनी में तब्दील किया गया है ताकि खान को सुरक्षित बाहर जो निकाल कर गाड़ी तक पहुंचाया जा सके, उस गाड़ी में बिठाया जा सके। और यही वजह है कि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार पूरी तरह से अलर्ट पर हैं कि किसी भी वक्त आर्यन की रिहाई इस जेल से हो सकती है, और ऐसे में पुलिस की जो जिम्मेदारी है कि उन्हें सही सलामत गाड़ी तक पहुंचाना वो उनको पहुंचाएगी। और उसके बाद जब आर्यन खान यहां से निकलेंगे तो शाहरुख खान उनका इंतजार कर रहे हैं वर्ली के एक होटल में, वहां है कि 28 दिनों बाद जिस तरह से रिहाई हुई है लोअर कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत जरूर दे दी थी, लेकिन शुक्रवार को पेपर ना पहुंच पाने की वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा था, और आज शनिवार के दिन पेपर पहुंचने के बाद प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 5 से 7 मिनट में आर्यन खान बाहर निकलेंगे और यहां से फिर अपने घर मन्नत की तरफ रवाना होंगे। आशीष आपसे जाना चाहेंगे, देखिए दिवाकर लगातार ये बता रहे हैं कि आर्यन खान पहले 4 सीजन होटल पहुंचेंगे जहां पर शाहरुख अपने परिवार के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही जो है आर्यन खान बाहर आएंगे उनको कितना वक्त लगेगा अपने परिवार तक पहुंचने के लिए? जिस सबसे अहम बात इस वक्त बड़ी जानकारी दे दूं कि बैरक से बाहर निकाल लिया गया है और बैरक से बाहर आकर बाहर के हिस्से में जो जेल का बाहर का पैसेज का हिस्सा होता है वहां पर इस वक्त आर्यन मौजूद हैं और साथ ही साथ
अभी तक जो है, क्योंकि जब बाहर किसी कैदी को छोड़ा जाता है तो सीधे किसी रिश्तेदार को अंदर आने की अनुमति नहीं होती, लिहाजा जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करते हुए इस वक्त केवल अंदर के हिस्से में इस वक्त रवि सिंह मौजूद है, जबकि पैसेज के हिस्से में इस वक्त सीधे तौर पर आर्यन खान आ चुके हैं। दोनों की मुलाकात अगले चंद मिनटों में हो जाएगी और चंद मिनटों में जैसे ही मुलाकात होगी वैसे ही रवि सिंह आर्यन को लेकर बाहर जो है, जो उनकी खुद की पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर जो उनकी निजी सुरक्षा है वो पहुंची हुई है, वो उन्हें गाड़ी में बिठा कर यहाँ से रवाना करेगी। यानी कि अभी दोनों भले ही रवि सिंह अंदर जेल के प्रीमाइसेस में हो लेकिन अभी तक आर्यन से नहीं मिले हैं, जबकि आर्यन बैरक से बाहर निकाल लिए गए हैं लेकिन जेल के प्रीमाइसेस में है वो अभी रवि सिंह से नहीं मिले हैं। दोनों की भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लिहाजा अगले कुछ मिनटों में जब एक तरह से कहा जाए कि रवि सिंह को बाहर के हिस्से में जहाँ पे रोका गया है रिलीज करके बाहर निकालने के लिए वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा आर्यन को, तो वहाँ से सीधे जो गेट का हिस्सा जहाँ पे इस वक्त आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ रही है वहाँ से जो है आर्यन को लेकर सीधे आर्यन खान के लिए जो है रवि सिंह है वो गाड़ी लेकर पहले ही पीछे खड़ी कर रखी है, वो आगे की तरफ बढ़ेगी और सिर्फ कुछ चंद सेकंड्स में आर्यन को उस गाड़ी में लेकर रवि सिंह रवाना हो जाएंगे। रवि सिंह एक पूरी सुनियोजित ढंग से इसे अंजाम तक पहुंचा रहे थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रवि सिंह सुबह से ही आर्थर रोड जेल के आसपास लगातार गश्त करते हुए कई बार जो है वो देखे गए थे। कल देर रात भी जब कहीं ना कहीं रिलीव लेटर जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया था, तो ऐसे में भी उसके बाद भी रात 9 बजे के करीब रवि सिंह जेल के पास देखे गए थे और अभी इस वक्त अंदर हैं और अगले कुछ मिनटों की ही बात है जब रवि सिंह तक आर्यन पहुंचेंगे और रवि सिंह उन्हें लेकर सीधे या तो फोर सीजन होटल या तो सीधे मन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लीगल टीम के साथ इस वक्त कहा जाए कि मौजूद हैं शाहरुख खान, ऐसे में मन्नत के लिए सीधे रवाना हो सकते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी के मद्देनज़र रवि सिंह को ये जिम्मेदारी शाहरुख खान ने दी है और कहीं ना कहीं वो सबसे अहम तौर पर यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही है कि फैंस को लेकर जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी थी खान परिवार को देखने के लिए उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं आर्यन को सुरक्षित निकालना सबसे अहम था और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर रवि सिंह को वो जिम्मेदारी दी गई। रवि सिंह फिलहाल अंदर ही हैं, हालांकि दोनों की मुलाकात अभी आर्यन की रवि सिंह से, रवि की आर्यन से नहीं हो पाई है। अगले चंद मिनटों में जैसे ही मुलाकात होगी वैसे ही बाहर के हिस्से में मूवमेंट आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ने लगेगा। आशीष देखिए बैरक तक तो आर्यन खान आ गए हैं लेकिन बैरक से बाहर निकलने तक कितने मिनट लग सकते हैं? और शुरू हो चुकी है, इस वक्त निकल रहे हैं आर्यन खान और लेकर उनको बाहर आ रहे हैं साफ तौर पर रवि सिंह और सबसे अहम बैरक से बाहर आ चुके थे, जेल के प्रीमाइसेस में आ चुके थे दोनों लोग, दोनों की मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में ट्रैफिक रोका जा रहा है, गाड़ियों को जो है वो रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो आर्यन खान को लेकर गाड़ी है वो यहाँ से सुरक्षित रवाना हो सके। साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि इस वक्त गाड़ियों की जो ट्रैफिक में आ रही गाड़ियां हैं उनकी मूवमेंट रोकी जा रही है ताकि आर्यन के लिए जो शाहरुख खान की गाड़ी है जो आई हुई है रेंज रोवर कार, देखिए रवि सिंह दिखाई पड़े, रवि बाहर आपको दिखाई पड़ जाएंगे और साथ ही आर्यन भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं इस वक्त और इस वक्त अगले कुछ सेकेंड्स में ही जो है उन्हें लेकर कुछ मिनटों में ही उन्हें लेकर रवाना होने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इस वक्त ट्रैफिक को रोका जा रहा है ताकि किसी भी तरह से आर्यन खान को यहाँ से लेकर रवि सिंह सुरक्षित निकल सके। जो गश्त जो पुलिस देखिए रास्ता रोक दिया गया है, आगे का हिस्सा रोक दिया गया है, अब कोई भी गाड़ी आगे की तरफ नहीं आएगी। ये जो गाड़ियां कुछ आपको चंद दिखाई पड़ रही है बस वही है, इसके बाद अब गाड़ी आगे की तरफ आ रही है। रवि सिंह अभी भी अंदर मतलब पैसेज के हिस्से में आर्यन मौजूद हैं लेकिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया बाकी जगहों पे ना आने पाए, इसके मद्देनजर रवि सिंह ने उन्हें अंदर के हिस्से में रखा हुआ है। और देखें गाड़ी आ चुकी है और अगले कुछ मिनटों की ही बात है कि रवि सिंह को रवाना
रवि सिंह जो है आर्यन को लेकर सीधे रवाना हो जाएंगे। रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मीडिया के लिए भी रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आर्यन को लेकर रवि सिंह सीधे रवाना होंगे। अब ये अलग बात होगी कि मन्नत रवाना होंगे या फिर सीधे फोर सीजन होटल, जहाँ पर उनके पिता इस वक्त लीगल टीम के साथ मौजूद हैं। और साफ तौर पर देखिए ये गाड़ियों का कॉन्वॉय, उसके बीच में सुरक्षा बल और साथ ही साथ शाहरुख के जो पर्सनल गार्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त रेंज रोवर का जो शाहरुख की है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और इस वक्त सीधे अगले कुछ सेकंड्स की बात है। और देखिए पूरा कॉन्वॉय तैयार किया जा रहा है क्योंकि पीछे भी शाहरुख की गाड़ियां हैं। तो ऐसे में देखिए इस वक्त रवि सिंह आपको दिखाई पड़ेंगे गेट पर। रवि सिंह आर्यन को दरवाजा खोल रहे हैं और आर्यन को सीधे अंदर के हिस्से में जहाँ पर रोका गया हुआ था, दरवाजे का गेट का हिस्सा होता है जहाँ पर रोका गया हुआ था, वहां पर सीधे उन्हें गाड़ी के अंदर बिठा रहे की कवायद में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरी तैयारी की गई है। जिस गाड़ी से आर्यन खान को लेने के लिए आए थे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड, वो गाड़ियां निकल चुकी हैं। या तीन गाड़ियों का जो काफिला है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर तीन गाड़ियों का काफिला इस वक्त जो है जेल के सीधा गेट के सामने जो है वो पहुंच चुका है। और पहुंचने का सीधा मतलब ये है कि आप आर्यन खान किसी भी वक्त जो है वो इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। जेल से बाहर निकल कर आप तस्वीरें देखिए कि तीन गाड़ियां इस वक्त जो है काफिले में लगी हुई है। मैं अगर आपको आगे की तरफ बढ़ने की तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें देखिए कि यहां पर जो तीन गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं कैमरे में, वो तीन गाड़ियां यानी पुलिस की पूरी तैनाती, पुलिस के सुरक्षा घेरे में यहां पर जो आर्यन खान है वो जेल से बाहर, अब लगभग कि चंद मिनटों का समय है बचा हुआ है जब आर्यन खान इस आर्थर रोड जेल से बाहर आएंगे। और बाहर आने के बाद जो गाड़ी आपको रेंज रोवर लगी हुई है वो गाड़ी जो है आप उसमें सवार होंगे और सवार होने के बाद ये गाड़ी उनको लेकर उनके घर मन्नत की तरफ रवाना होगी। मैं गाड़ियों की तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आर्यन खान, क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फोकस जो है वो देखिए यहाँ पर आर्यन खान अपनी गाड़ी में की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए यहाँ पर यह गाड़ी अब रवाना हो रही है, यानी आर्यन खान अब इस गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी का जो है वो रवाना हो रही है। तीन गाड़ियां आगे पुलिस की गाड़ी है जो स्कॉर्ट कर रही है इस काफिले को। तो यहां पर तस्वीरें आपको जो नजर आ रही हैं वो यही बताती हैं कि आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल से आखिरकार 28 दिनों के बाद जो है अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं कितनी सारी भीड़ यहां पर लग चुकी है, गाड़ियों की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो यही बताती हैं कि आर्यन खान इस वक्त आर्थर रोड जेल से अपने घर की तरफ गाड़ी में बैठ के रवाना हो चुके हैं। 28 दिनों बाद उनकी रिहाई हुई है इस पूरे मामले में और इस वजह से अब खास तौर पर शाहरुख खान और गौरी खान जो है वो जरूर बहुत खुश होंगे क्योंकि अब आर्यन खान कुछ ही देर में उनके पास पहुंचेंगे जहां पर वर्ली में जो है मौजूद है, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करने के बाद सामने देखे, मैं पीछे अगर तस्वीरें दिखाऊं, ये देखे पीछे, ये पीछे की तरफ भाग देखेंगे तो गाड़ी जो है यूटर्न लेके जो रास्ता है वो ये होगा कि सात रास्ता से माँ लक्ष्मी होते हुए वर्ली नाका होते हुए ये सीलिंग के जरिए बांद्रा पहुंचेगा ये काफिला, जो आर्यन खान का काफिला निकला है। तो सबसे अहम बात इस पूरे मामले में यही है कि वर्ली का जो इलाका है जहाँ पे फोर सीजन होटल है, मैं कहूँगा कैमरामैन कर आप तस्वीरें दिखाते रहें कि यहाँ पर गाड़ी आगे से यूटर्न लेने के बाद अब सीधा इसी तरफ आएगी और यहाँ से फिर वो गाड़ी आर्यन खान को लेकर जो है वो ये देखिए सामने पुलिस के जो बैन है वो लगाई जा रही है उस गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए। यानी तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि 28 दिन बाद आखिरकार आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होकर अब अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें आपको साफ तौर पर, भीड़ कितनी लगी हुई है देखिए, उन लोगों को उम्मीद थी कि शाहरुख खान आएंगे उनको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी उसको देखते हुए पुलिस ने किसी साफ तौर पर कह दिया था कि आप रिहा करवा के लेके जाइए, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो सकती क्योंकि ये रोड का क्षेत्र है और ऐसे में अगर भीड़ हो जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अब फिलहाल आर्यन खान पुलिस की बैन के स्कॉर्ट करते हुए लेफ्ट से राइट से किधर से कट मार्क इस वक्त आर्यन का
इस वक्त आर्यन जो है गाड़ी रवाना हो चुकी है और सबसे अहम बात यह कि सीधे गाड़ी के आगे और पीछे दो जो है वो गाड़ियों की सिक्योरिटी लगाई गई है और साथ ही साथ एक पुलिस का कॉन्वॉय भी है जो एक सुरक्षित जगह तक एक सुरक्षित स्पॉट तक उन्हें पहुंचाने का काम करेगा और उस कॉन्वॉय को साथ में रखा गया है। मीडिया की गाड़ियां भी उसके पीछे लगी हुई है और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो है आर्यन खान का पूरा एक कॉन्वॉय चल रहा है और इस पूरे कॉन्वॉय का काम है आर्यन खान की गाड़ी को सुरक्षित रखना। सबसे अहम बात यह है आर्यन के साथ इस वक्त रवि सिंह जो कि उनके गार्ड है वो मौजूद है और महालक्ष्मी की तरफ जो है ये पूरा कॉन्वॉय बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी लगा रखी है कि कोई भी गाड़ी जो है वो चेज न करने पाए, कोई भी जानकारी जो है उनसे जुड़ी हुई सुरक्षा के मद्देनजर न लीक होने पाए उसके मद्देनजर जगह जगह पर गाड़ियों की तैनाती की गई है और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन अभी भी जो कहा जाए कि जो फैंस है वो लगातार उन्हें उनके आस पास जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। इस वक्त देखे आर्यन खान की ये एक गाड़ी, वो आपको रेंज रोवर जो दिखाई पड़ रही रेंज रोवर कार है जिसे लेकर जिसमें इस वक्त आर्यन खान और रवि सिंह दोनों मौजूद हैं। अब ये यहाँ से सीधे फोर सीजर होटल पहुंचते हैं या फिर जो है मन्नत सीधे जो है ये पूरी कवायद ये पूरी जो है कॉन्वॉय जाएगा वो अब तक साफ नहीं है। लेकिन आर्यन खान को लेकर इस वक्त जो है सुरक्षित लेकर रवाना हो चुकी है। जब आर्यन खान को जेल से बाहर निकाला गया तब उनके बाल काफी छोटे कटे हुए दिखाई पड़े थे, यानी कि कहीं ना कहीं जेल में जब उन्हें रखा गया था तो इस दौरान जो जेल मैनुअल है उसे फॉलो किया गया था और उनके बाल और शेविंग जो है वो रोजाना बेसिस पे की जाने की गई थी। और साफ तौर पर ये देखिए आर्यन खान और पुलिस का एक और कॉन्वॉय, एक स्कॉटिंग करने के लिए कॉन्वॉय जो है वो लगातार जुटा हुआ है। और ये देखें पूरे स्कॉट में जो इस वक्त आर्यन खान है, रवि सिंह है, रवि सिंह ने इस तरह से पूरे एक सिक्योरिटी लेयर तैयार की है कि जहां जहां पे आगे जैसे जैसे जिस रूट पे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक गाड़ी सिक्योरिटी में और जुड़ती चली जाएगी और वो सिक्योरिटी की एक पूरी लेयर तैयार होगी जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी सेधमारी नहीं कर सकेगा और आसानी से बिना तकलीफ के जो है आर्यन सही सलामत आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त फोर सीजन होटल में शाहरुख खान मौजूद है। क्या ये फोर सीजन होटल तक सीधे कॉन्वॉय जाएगा या फिर जो कहा जाए कि सीधे मन्नत पर जाकर मंजिल खत्म मंजिल पर पहुंचेगी ये कॉन्वॉय, वो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस का कॉन्वॉय और साथ ही साथ वर्ली तक ये कॉन्वॉय बना रहेगा ताकि सुरक्षित जो है वो बाहर निकल सके। लोगों का जमावड़ा जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी उसी के मद्देनजर ये दिखाई पड़ रहा है। अब इस वक्त आगरीपाड़ा का इलाका है, उस आगरीपाड़ा के इलाके में इस वक्त आपको दिखाई पड़ेगा कि मूवमेंट हो रही है और ये पुलिस का घेरा बना हुआ है और साथ ही साथ खुद रवि सिंह ने एक सिक्योरिटी की लेयर तैयार की हुई थी। उस सिक्योरिटी की लेयर में आर्यन खान इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि बैंड्रा वर्ली सी लिंक लेंगे और वहां से सीधे मन्नत पहुंचेंगे या फिर होटल फोर सीजर में जाकर अपने पिता से मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी देखे कॉन्वॉय जो है महालक्ष्मी स्टेशन के पास पहुंच गया, महालक्ष्मी स्टेशन के पास जो है पहुंच गया अगले कुछ मिनटों में। मतलब अगर देखा इस वक्त पुलिस ने गाड़ियां रोक दी हैं मीडिया की और साफ तौर पे लोगों की और कोशिश जारी है कि हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखा सकें। इस वक्त फोर सीजन होटल के नजदीक ही है, मुश्किल से 5 मिनट का वक्त फोर सीजन होटल पे। और ये देखिए अब कॉन्वॉय में दो गाड़ियां और जुड़ चुकी हैं आर्यन खान के और ये कॉन्वॉय आगे बढ़ता चला जा रहा है। साफ तौर पे जो सुरक्षा घेरा है उस एक चक्रव्यूह की तरह रवि सिंह ने आगे दो गाड़ियां हो चुकी हैं और पीछे भी दो गाड़ियां हो चुकी हैं और कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आर्यन खान के साथ रवि सिंह खुद मौजूद है। रवि सिंह वो शख्स हैं जो कि हमेशा ही शाहरुख की साथ ही साथ खान परिवार की सुरक्षा में हमेशा जुटे रहे हैं और इस वक्त भी वो वही कर रहे हैं।
कि सुरक्षित लोगों की नजरों से मीडिया से बचाकर किसी तरह से आर्यन खान को जो है वो निकाला जा सके। शाहरुख खान खुद जो है वो जेल पर नहीं पहुंचे थे क्योंकि जिस तरह से शाहरुख खान के बेल पर जिस तरह से शाहरुख खान जेल मिलने पहुंचे थे उस वक्त जो हुजूम उमड़ा हुआ था, लोग देखने के लिए उमड़े हुए थे, उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर आर्यन खान जो पिछले 28 दिनों से जेल में थे वो कहीं ना कहीं परेशानी में न पड़ जाए, इस लिहाज से वो नहीं आए थे, बल्कि रवि सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और रवि सिंह सिक्योरिटी लेयर बनाकर इस वक्त होटल फोर सीजन्स की तरफ जो है सीधे जो गाड़ी का कॉन्वॉय है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगले चंद मिनट, अगले 2 से 3 मिनट में फोर सीजन होटल के पास जो है रवि सिंह जो है वो पहुंचते हैं या फिर उस रास्ते से होते हुए सीधे, ये देखें आगे आपको दूर वहां पर वो आपको गाड़ी दिखाई पड़ेगी, वो रवि सिंह की गाड़ी है। रवि सिंह आर्यन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अहम बात फोर सीजन होटल की तरफ बढ़ रहे हैं रवि सिंह। लेकिन क्या फोर सीजन होटल पे वो सीधे रुकेंगे या फिर सीधे मन्नत की तरफ होगी, क्योंकि इसी रूट पे आगे बढ़ने पर वो वेंडर वाली सीलिंग लेकर अगले 10 से 15 मिनटों में सीधे यहाँ पर देखें कॉन्वॉय में से पुलिस की कॉन्वॉय निकल चुकी है। उस पुलिस ने एक सुरक्षित जगह पे जो छोड़ने के तहत स्कॉटिंग करती है उस स्कॉटिंग के तहत गाड़ी को छोड़ दिया है। अब रवि सिंह की और आर्यन की सुरक्षा में उनकी जो निजी गाड़ियां हैं वही केवल शामिल है उस वक्त आगे जी। रिसीव करेंगे आर्यन खान को, उसके बाद फिर घर की तरफ पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त गाड़ी जो है वो वर्ली के बिल्कुल करीब जो फोर सीजन होटल है वहां पर ये गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये गाड़ी सीधा मन्नत की तरफ जाएगी या फिर शाहरुख खान पहले वर्ली के जहां पर मौजूद है वहां पर आर्यन खान को बुलाएंगे और फिर वहां से साथ लेकर निकलेंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आपने अब जिस तरह से आर्यन खान की रिहाई हुई है उसमें शाहरुख खान और गौरी खान दोनों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि जिस तरह से 28 दिनों से लगातार उनका परिवार कोशिश कर रहा था, उनकी लीगल टीम कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आर्यन खान को छुड़ाया जाए। पहले लोअर कोर्ट ने जो है आर्यन खान को वो उनकी बेल एप्लीकेशन सुनने से इनकार कर दिया था, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट ने जो है इस बड़े मामले में उनकी बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया जाता है, 3 दिन की सुनवाई होती है और उस दौरान तीसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबान मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जो है बेल दी जाती है। लेकिन बेल ऑर्डर कल शाम यानी शुक्रवार तक भी नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते आर्यन खान को 2 दिन और जेल में रहना पड़ा। और आज करीब आधे घंटे पहले मैं आपको कहूं तो ये आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाई हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने स्कॉटिंग जो कर रही थी पुलिस जो है आर्थर रोड जेल से वर्ली इलाके में लाके उन्हें छोड़ दिया है। वहां से जो पर्सनल बॉडीगार्ड हैं उनके वो साथ में चल रहे हैं आर्यन खान के। तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है क्योंकि जिस तरह से मन्नत को सजाया गया है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्यन के छूटने की कितनी खुशी खान परिवार को है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि क्या शाहरुख खान अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में बैठा के आर्यन खान को जो है वो घर की तरफ अपने पढ़ेंगे या फिर आर्यन खान जिस गाड़ी में बैठे हैं रवि सिंह के साथ वही गाड़ी उनको लेकर आगे की तरफ पढ़ेगी। हम इस वक्त जो है देखिए ठीक वर्ली के से इलाके में है, फोर सीजन होटल बगल में है, करीब मैं कहूँ तो ये 200 मीटर की दूरी पर फोर सीजन होटल है और यहीं पर शाहरुख खान इस वक्त जो है अपनी पत्नी गौरी खान यहाँ पर रुके हुए हैं। और सबसे अहम बात है देखिए शाहरुख खान, देखिए जो आर्यन खान की गाड़ी का काफिला है वो फोर सीजन होटल से निकल चुका है और न्यूज 18 लगातार फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मीडिया भी लगातार जो गाड़ी है शाहरुख खान के बेटे जो आर्यन खान जिस गाड़ी में थे उसके पीछे लगातार लगी हुई। देखिए यहाँ पर रेड लाइट हुई है, अभी यहाँ पर लगातार हलचल बढ़ी है और एक बिल्कुल यहाँ पे आंधी की रफ्तार से जो गाड़ी है वो यहाँ से निकली और लगातार आप देखिए तमाम यहां पर हलचल एकदम बहुत तेजी से मची है। और देखिए हमारे सामने ही देखिए ये गाड़ी है, आगे बता रहे हैं यही वो गाड़ी है। देखिए ये
जिसका लाइट जलता दिख रहा है, ये बताया जा रहा है। देखिए ये गाड़ी जो आगे दिखा रहे हैं हम न्यूज 18 पे सीधे, जिसमें पीछे लाइट जल रही है, ये गाड़ी इसमें आर्यन खान मौजूद है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये व्हाइट कलर की जो गाड़ी है बिल्कुल रेड लाइट पे खड़ी हुई है, ये गाड़ी इसी में आर्यन खान बताए जा रहे हैं। देखिए और उनके पीछे एक और गाड़ी है जो बॉडीगार्ड्स की गाड़ी बताई जा रही है। देखिए ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से महज 20 मिनट की दूरी बताई जा रही है मन्नत की, जो बैंड स्टैंड है बांद्रा में, जहाँ पर शाहरुख खान का बंगला। देखिए और देखिए ये लगातार गाड़ियां रोकने की यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है। देखिए ये इधर थोड़ा इस तरफ रख के चलाइए। देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ियों का काफिला लगातार है। ये लगातार आपको देखिए गाड़ियां यहाँ पे दिखेंगी। जबरदस्त मीडिया जो है वो फॉलो कर रही है और लगातार देखिए न्यूज 18 के कैमरे पे हम वो गाड़ी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और रेड लाइट यहाँ पर चूंकि हो रखी है, और देखिए एक बार ये चलाते रहिए, रिजल्ट दिखाते रहिए, निकल जाएगा सिग्नल, निकल जाएगा सिग्नल, निकल जाएगा। अरे बैठो बैठो, सिग्नल 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 सिग्नल, चलो लीजिए। देखिए ये रेड लाइट सिग्नल सिग्नल हो चुका। देखिए गाड़ियों का काफिला फिर से बढ़ गया है, लगातार कुछ गाड़ियां जो है वो लगातार पीछे चल रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आज लगातार लंबे वक्त के बाद जो है वो मन्नत अपने घर आर्यन खान पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर को उन्हें ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया गया था और 3 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। न्यूज 18 इंडिया ने 2 तारीख को सबसे पहले ये देश और दुनिया को एक खबरें बताई थी कि किस तरह से ड्रग्स कुच पार्टी हुई और उसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आया। 2 अक्टूबर को देखिए वो दिन था जब दोपहर में 2 बजे 2 अक्टूबर को आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें शाहरुख खान को गौरी खान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे ड्रग्स मामले में फंसेंगे और वो लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे। और देखिए आज का दिन खान परिवार के लिए काफी बड़ा दिन है। देखिए गाड़ियों का गाड़ियां यहां से हैं जो आगे घूम रही है, देखिए सीधे, और लगातार कई गाड़ियां हैं, बाइक से तक फॉलो लोग कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे की गाड़ी का। और देखिए ये लगातार यहां पर पुलिस की मूवमेंट भी हुई है और जबरदस्त यहां पर जाम जैसी स्थिति भी हो गई। और देखिए लगातार ये देखिए फिर से जो गाड़ी है वो आगे बढ़ चुकी है, बिल्कुल सीलिंग होते हुए सीधे मन्नत पहुंच रही है। लगातार न्यूज 18 हम फॉलो कर रहे हैं वो गाड़ी को। देखिए तमाम लोगों की नजर बॉलीवुड की नजर शाहरुख खान के जितने चाहने वाले हैं, बॉलीवुड में शाहरुख खान के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बड़े फिल्म स्टार हैं, तमाम लोगों की नजर आज मन्नत के ऊपर है, क्योंकि शाहरुख खान किंग खान का जो बेटा था वो ड्रग्स मामले में लंबे वक्त तक पहले एनसीबी की कस्टडी में था और उसके बाद आर्थर रोड जेल में उसने कई रातें गुजारी है और आज वो अपने घर वापस पहुंच रहा है। ये देखिए लगातार ये तस्वीरें हैं, हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए बिल्कुल देखिए फॉलो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये काफिला जो है ये पूरा लगातार मीडिया का काफिला। और आगे देखिए ये कभी हमने फिर झलक देखी थी, जो आर्यन खान की गाड़ी है वो बिल्कुल चंद सेकंड की दूरी पर हमसे है। और देखिए लगातार ये रोड जो है ये बांद्रा की तरफ जा रहा है जहां पर मन्नत है, वहां पर तमाम फैंस का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है, लोग ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं जो शाहरुख खान के फैंस हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए महज 15 मिनट की दूरी बताई जा रही है यहां से, जब ये देखिए अब ये शायद हम सीलिंग पे आ गए। ये देखिए अब ये देखिए फिर से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। यहां पर रेड लाइट हुई है और देखिए फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए गाड़ी रेडी, हम आपको देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए वो गाड़ी है, देखिए ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बॉडीगार्ड है वो रोक भी रहे हैं। और इसी गाड़ी में इस गाड़ी में आर्यन खान है, देखिए आर्यन खान आए, शाहरुख खान आए, काहे खान, देखिए फिर से एक बार हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कवर कर रखा था
आर्यन खान जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी को कवर करके रखा था। और देखिए फिर से जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो शाहरुख खान के निजी बॉडीगार्ड से वो फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल आर्यन खान की गाड़ी के नजदीक। किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है और बिल्कुल काले शीशे लगा रखे कि एक भी झलक जो है वो मीडिया कैमरे में कैद ना हो पाए आर्यन खान की। लेकिन लगातार न्यूज 18 चेस कर रहा है आर्यन खान की गाड़ी को। और देखिए यहां पर हम ये बोरी वाली बांद्रा वाले रास्ते पे हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार गाड़ियां जो है पूरा एक पूरा जमावड़ा आप जो देख सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि रिया चक्रवर्ती केस में जो तस्वीर थी उससे भी जबरदस्त यहां पर आप देख सकते हैं मीडिया की भीड़। और शाहरुख खान के जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं उनकी उनकी गाड़ियों का काफिला लगातार यहां पे देखिए। और कई लोग जो है वो सेल्फी ले रहे हैं, कई लोग जो है अपने मोबाइल में एक तस्वीर कैद करना चाहते हैं आर्यन खान की। देखिए ये नजारा, बोल रहा समझ में नहीं आता तुमको। देखिए नजारा और हम ये सीलिंग पे आ गए, ये सीलिंग पे देखिए हम पहुंच गए। और अब मुश्किल से बामुश्किल 10 मिनट में आर्यन खान मन्नत पहुंच जाएंगे। देखिए सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, लगातार आर्यन 18 साल से ज्यादा उम्र